वेलकम फ्रेंड्स, टुडे वी विल सी हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन पार्ट टू। इसमें हम लोगों को पढ़ना है व्हाट इज इवोल्यूशन, व्हाट इज द थियोरी बिहाइंड इवोल्यूशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इवोल्यूशन। नाउ वी विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स क्या है, मीन्स उत्क्रांति कैसे हुई। हम लोग जो हमें कहता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कोई वानर थे या बंदर थे, और उसकी वजह से फिर हमारा कुछ ग्रेजुअल चेंजेस उसमें होते गए, और फिर एक हम लोग अभी जैसे एडवांस ह्यूमन बीइंग दिख रहे हैं वैसे यहाँ पर हम लोग तैयार हो गए। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, मीन्स अर्थ पे जब पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म था अमीबा, उससे लेकर मल्टी कॉम्प्लेक्स और मल्टी सेल्युलर ह्यूमन बीइंग कैसे तैयार हुआ, ये जो पूरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन। तो एक्चुअल में ये इवोल्यूशन हुआ कैसे है, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, चेंजेस कैसे होते गए, कौन से फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सब कुछ हमें अभी इस वीडियो में देखना है। तो हमने क्या कहा है, दिस इवोल्यूशन इट इज द ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, इवोल्यूशन क्या है, ग्रेजुअल चेंजेस है। मीन्स एक बार हमें सडनली ये चेंजेस दिखाई दिए क्या, नहीं। तो ये चेंजेस कैसे होते हैं आए हुए हैं, ये चेंजेस धीरे 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 होते आए हुए हैं, और चेंजेस अगर धीरे धीरे हो रहे हैं तो उसके लिए टाइम कैसे लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसेस है, इसके लिए स्लो ग्रोइंग प्रोसेस है, तो टाइम भी उसके लिए हमारे इसमें ज़्यादा रहेगा। और ये सब कैसे हुआ है, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म से इस अर्थ पर आए क्या, तो नहीं। यहाँ पे सबसे पहले कुछ स्टार्स में चेंजेस हुए, जो हमारे स्टार्स है स्पेस में, वो स्टार्स प्लैनेट्स उसकी वजह से फिर ऐसे, क्योंकि हमारा अर्थ भी क्या है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का ही एक प्लैनेट हमारा अर्थ है, और अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है सिर्फ जिस पर हमें बायोस्फीयर का एग्जिस्टेंस दिखता है, जिस पर लिविंग बींग्स प्रेजेंट है। ऐसा एक ही प्लैनेट सोलर सिस्टम में है कि जिसमें हम लोग बायोस्फीयर या जीव सृष्टि देख सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या पढ़ना है कि इस बायो अर्थ पर किस तरीके से ये इवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से ये चेंजेस हुए, किस तरह ये बायोस्फीयर का निर्माण हुआ, ये सब कुछ हमें यहाँ पर देखना है। तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या देखा, इसका इवोल्यूशन क्या होता है। अब ये इवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ, क्यों ऐसे लगा कि नहीं इवोल्यूशन हमें पढ़ना चाहिए। तो जैसे हमारी अर्थ है, तो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 3.5 बिलियन से पहले क्या हुआ था, यहाँ पर जो हमारी अर्थ थी, जैसे ये प्लैनेट से पहले हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी जो हमने पढ़ी हुई है उसमें हमें पता है कि अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ। अब इस अर्थ पर जो चेंजेस होते हैं, तो 3 बिलियन ईयर्स अगो सबसे पहले हमारे इसमें जो कुछ भी हमारी अर्थ थी, हमारा जो सरफेस था, जो प्लैनेट्स थे, वहाँ पर ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले जो स्मॉल सिंपल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते थे वो हमें कहाँ पर मिले थे, वो हमें सी में या ओशन में मिले हुए थे, और फिर उसके डेवलपमेंट होते 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 हम आज लोग इस तरीके से तैयार हुए हैं। तो सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट्स हमें कहाँ पर मिले थे, स्मॉल सिंपल एलिमेंट्स कहाँ पर मिले थे, दीज आर ऑब्टेन इन द ओशन। नाउ अब हमें देखना है कि किस तरीके से, ओशन में तो हमें सिर्फ सिंपल कंपाउंड्स मिले थे, तो ये सिंपल कंपाउंड्स कैसे कैसे हुए थे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पर सबसे पहले सिंपल एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो हमें सी में ऑब्टेन हुए थे, जो हमें सी में मिले या ओशन में मिले थे। अब ये जो सिंपल एलिमेंट्स हमारे पास है, दीज सिंपल एलिमेंट्स आर कन्वर्टेड इंटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंपल एलिमेंट्स किस में कन्वर्ट हो गए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये कन्वर्ट हो गए। देन
जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होते हैं ऐसे इसमें कन्वर्ट हुए। देन इन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को कंबाइन होकर मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर तैयार हुए एंड फ्रॉम दैट देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ सेल। सेल हमने पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर भी हमारे इसमें था फ्रॉम सेवन स्टैंडर्ड। हम लोग सेल क्या है, एनिमल सेल क्या है, प्लांट सेल क्या है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ऐसी सेल ये सिंपल एलिमेंट जो हमें सी से ऑब्टेंड हुए थे उससे यहाँ तक हम लोग पहुँचे हुए थे। अब ये जो सेल हमें यहाँ पर मिली हुई है इससे हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो था यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अमीबा वो यहाँ पर हमें मिला हुआ था। अब ये सुनिए एक एग्जांपल हमारा हो गया अमीबा। दूसरा हमें पता है पैरामेशियम दैट इज ऑल्सो एन यूनिसेल्युलर यूग्लिना जैसे है। ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट था। मीन्स फर्स्ट प्रिमेटिव टाइप सेल से हम लोग किस पर आ गए, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स पर आ गए या यूनिसेल्युलर लिविंग बींग्स पर हम लोग आ गए। और फिर ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे वो कन्वर्ट हो गए, यहाँ पर उनका सेल डिवीजन हुआ। ये सेल क्या है, पहले इसमें एक ही सेल थी, फिर इस तरीके से उसमें सेल डिवीजन होकर दो सेल्स तैयार हुए, दो सेल के चार सेल तैयार हो गए, चार के आठ हो गए। इस तरीके से उसका मल्टीप्लीकेशन होते जाएगा और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन। ऐसे डिफरेंट जो सेल हैं उनका डिवीजन होकर फिर से एक कॉम्प्लेक्स बॉडी तैयार होती है और ये चेंजेस होते थे। जैसे फिर उसके बाद स्टार फिश हमें मिला, उसके बाद कुछ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स थे वो तैयार हुए वहाँ से, फिर और बाकी जो थे डाइवर्सिटी वहाँ पर प्लांट्स, अगर प्लांट सेल हो तो प्लांट्स के अलग अलग टाइप्स हमें दिखने लगे, फिर एनिमल्स के हमें डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर मिलने लगे। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एटमोस्फियरिक चेंजेस होते गए वो जैसे जैसे एटमोस्फियर उन्हें मिलता गया उसके अकॉर्डिंगली सेल डिवीजन होकर या सेल फॉर्म होकर नए नए एनिमल्स हमें मिलते गए। और उनमें अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हमें अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या हुआ कि जैसे ह्यूमन बीइंग मिलता है हमें या वेल मीन्स जो बड़े हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट फंक्शंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे तैयार होते होते हमें यहाँ पर क्या हुआ है कि इतने सारे डेवलपमेंट्स हमारे इसमें हो गए हैं। और ये जो डेवलपमेंट्स हैं इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। समझ में आया? तो इसमें क्या होता है कि जो सर्वाइव होते गए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर डोमिनेंट रहते गए, जो ज़्यादा प्रभुत्व दिखाते गए, वही डोमिनेंट्स फिर हमारे इसमें आते गए और उसमें से हमें मिला हुआ है ह्यूमन बीइंग और वेल जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर, बड़े बड़े लिविंग बींग्स यहाँ पर तैयार हुए हैं। तो ये जो कुछ भी है यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एज द थियरी ऑफ इवोल्यूशन। वही अगर हम लोग देखते हैं डाइवर्सिटी इन प्लांट्स मीन्स एक ही टाइप के अभी तैयार हुए हैं क्या सभी, नहीं। आप देखोगे कि आपको जो फ्लावर्स आप नेचर में देखते हो, आप कुछ फूल दिखते हैं, आपको कुछ प्लांट्स दिखते हैं। आप अगर एरिया चेंज करते हो तो ट्रॉपिकल प्लांट्स आपको अलग दिखेंगे, जो कोल्ड प्लेसेस पर रहते हैं वो प्लांट्स आपको अलग दिखेंगे, वाटर में जो रहते हैं वो प्लांट्स अलग रहेंगे। ऐसे क्या हुआ है कि जैसा एटमॉस्फेयर उन्हें मिल रहा है, जैसा सराउंडिंग उन्हें मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स विल ऑल्सो गेट्स चेंज। उसका कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होगा, उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव होने के लिए उनमें डेवलप होते जाएंगे और इसी को हम लोग कहते हैं डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। जैसे यहाँ पर आप देखते हो कि अलग अलग टाइप के फूल हमें दिख रहे हैं, जो पेड़ की पत्तियाँ हैं वो अलग है, इनमें ग्रीन कलर जो दिखेगा वो भी हमें अलग अलग दिखता है, कुछ प्लांट्स हमें कैक्टस की तरह दिखते हैं, कुछ प्लांट्स जो है वो बनियान ट्री जैसे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसे यूनिसेल्युलर प्लांट, सबसे एक यूनिसेल्युलर प्लांट जो होगा वो क्लोरोफिल जैसा है, तो ये तैयार होते होते फिर से बनियान ट्री जो होता है उसके तरह तैयार यहाँ पर होता है। तो इसमें क्या दिखता है आपको कि जो वाटर प्लांट्स हैं वो भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो हमें जो डेवलपमेंट्स मिले हैं, जो इवोल्यूशन हुआ है, उसकी वजह से हमें एयर वाटर लैंड इन सभी जगह पर अलग अलग तरीके के
लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाइंड आउट हुए हैं, जैसे डाइवर्सिटी, जिसे हम लोग कहते हैं डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, वैसे ही सेम एनिमल्स में भी। एनिमल भी हमें सभी एक ही तरीके से दिखते हैं क्या? नहीं, कुछ रेप्टाइल्स हैं, कुछ वाटर में एक्वेटिक हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल हैं, कुछ एम्फीबियंस हैं, ऐसे अलग अलग एनिमल्स भी हम लोग देखते हैं। वैसे ही उनका बॉडी स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे, उनका साइज अगर हम लोग देखेंगे, वो भी हमें यहाँ पर अलग अलग दिखता है। तो जैसे उनके ऊपर जो कोल्ड रीजन्स में रहते हैं, जैसे पोलर बियर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो उनके ऊपर बहुत सारे फर होते हैं ताकि वहाँ का एटमॉस्फेयर ठंडा बहुत होता है, उससे प्रोटेक्ट होने के लिए वो उनको जरूरी होता है, इसलिए उनके ऊपर थिक फर रहते हैं। कैमल का एग्जाम्पल आप लेते हो तो कैमल में क्या रहती है, उनके आईलिड्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि जो भी रेती वो उड़ती है तो उसकी वजह से यहाँ पर उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें डेवलप होते जाते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। अगर आप फिश देखोगे, उनको स्केल्स होता है ताकि वो उसमें से उनका रेस्पिरेशन प्रोसेस कैरीड आउट कर सके, या फिर वो बर्ड्स जो होते हैं उनमें विंग्स होते हैं, उनका बॉडी वेट होता है, उनके बॉडी में एयर बैग्स होती हैं ताकि वो एयर में उड़ सके, उनका बॉडी वेट लाइट होना चाहिए, कम होना चाहिए, इसलिए ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें डेवलप होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। नाउ अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसमें चेंजेस डायरेक्टली हुए क्या? नहीं, उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा हुआ है, और उसी की वजह से टाइम लगा है, उसमें चेंजेस भी धीरे धीरे हुए हुए हैं, और ये सब होते हुए जिनके इसमें सर्वाइव होने की, सस्टेन करने की कैपेबिलिटी थी, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो पहला वाला हमें दिख रहा है यहाँ पर जिराफ, वो क्या है, उसकी हाइट कम है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसकी हाइट बढ़ गई है। क्यों? तो जहाँ पर ऊपर जो पेड़ की पत्तियाँ हैं वो खाने के लिए उनकी हाइट यहाँ पर ग्रेजुअली इंक्रीज हुई है। उसी तरीके से प्रे और प्रेडेटर, इनका भी अगर आप देखते हो तो जो सर्वाइव हो सकता है वही यहाँ पर हमें दिखता है, और जो सर्वाइव नहीं हो पा रहा है इसलिए वो हमें यहाँ पर नहीं दिखता है। तो इसलिए हमने इवोल्यूशन को एक फिर से नए टाइप में डिवाइड किया, डिफाइन किया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, जो नेचुरल सिलेक्शन रूल है, नेक्स्ट वीडियो में हमें देखना है कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है, डार्विन्स ने हमें क्या बताया हुआ है, किस तरीके से उसका इवोल्यूशन हुआ है, ये सब कुछ हमें नेक्स्ट वीडियो में फिर से देखना ही है। बट एक रफ आइडिया देने के लिए आपको कहा कि जो भी यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आ रहे हैं, वो चेंजेस, वो कैरेक्टरिस्टिक्स उनको सर्वाइव होने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन, और उसी को हमने कहा हुआ है इवोल्यूशन। दिस इज अबाउट द थियरी ऑफ इवोल्यूशन। ना अभी तो हमने कह दिया कि जो इवोल्यूशन हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है, वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बट हम लोग उस पर डायरेक्टली विश्वास कर लेंगे क्या? नहीं। तो उसके लिए हमें क्या है, कुछ ऐसे इविडेंसेस हमें देने हैं, कुछ ऐसे उसके लिए सबूत हमें देने हैं ताकि हम लोग उस पर विश्वास कर सके। तो ये जो कुछ भी यहाँ पर जो सबूत है या एविडेंसेस है वो हमें यहाँ पर देखने हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, इवोल्यूशन इज एन एवर लास्टिंग प्रोसेस ऑफ चेंजेस। एवर लास्टिंग मीन्स कभी भी खत्म ना होने वाला। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो अभी हम बड़े हुए हैं तो हमसे आप लोग जो टीनेजर्स में हैं वो ज़्यादा स्मार्ट है, वैसे आप उसमें से अभी जो न्यूली बॉर्न या 1 या 2 ईयर्स के बच्चे होंगे वो उससे भी स्मार्ट होते हैं। तो ये कैसे हो रहा है कि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कुछ ना कुछ नए नए कैरेक्टर उसमें डेवलप होकर एक नया जीन वहाँ पर फॉर्म होने की वजह से हमें नया कुछ सभी मिलता है, कुछ एडवांस हमें मिलता है। तो ये जो कुछ भी यहाँ पर मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज द एवर लास्टिंग प्रोसेस एंड द प्रूफ टू सपोर्ट दिस प्रोसेस। ठीक है, उसको क्या है, कुछ प्रूफ हमें देने हैं, कुछ पुराव हमें देने हैं, सबूत हमें देने हैं
तो ये जो कुछ भी प्रूफ है जो सपोर्ट करता है इस प्रोसेस के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। ऐसे हमें 5 टाइप के देखने हैं, टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन हमें कितने देखने हैं, सॉरी 6 टाइप के हमें चेंजेस यहाँ पर देखने हैं। फर्स्ट है हमारा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, एनाटोमिकल एविडेंसेस, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस, कनेक्टिंग लिंक एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। ये 6 जो टाइप्स ऑफ एविडेंसेस हैं वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला हमें देखना है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। अब मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस मीन्स क्या होगा? जो फीचर्स हम लोग इजीली हमारे आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि जो आंख है किसी एनिमल्स की, जो किसी का मुंह है, किसी के कुछ जैसा बॉडी पोस्चर उनका होता है, ये सब लोग क्या होता है, हम लोग उसे देख सकते हैं। प्लांट के लीव्स है, उसका फ्रूट है, उसके फ्लावर्स हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं अभी रोज फ्लावर का, तो अलग अलग तरह के गुलाब हमें दिखते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ छोटे किसी का साइज छोटा होता है, किसी का साइज बड़ा होता है। तो ये सब फीचर्स क्या होते हैं, हम लोग अलग अलग दिखते हैं हमें, हम उसको विजिबल फीचर्स उसके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो कुछ भी फीचर्स होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। मीन्स व्हाइट कलर का फ्लावर होगा, पिंक होगा, रेड होगा, उनका कलर डिफरेंट है। जो आप देखोगे बडिंग वाला फ्लावर होगा उसका साइज बड़ा होता है, किसी वाला कोई बड़ वाला ही रहता है, जो छोटा होता है वो मिनी रोज उसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें क्या है, चेंजेस तो आ रहे हैं, कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन उसमें है, बट है तो सभी रोज ही। तो ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग विजिबल है, ठीक है, हमें अपने आंखों से दिखते हैं, ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि इन सभी जो अभी एनिमल्स ऊपर के रो में आपको जो एनिमल्स दिख रहे हैं, इन एनिमल्स के मुंह अगर आप देखोगे, माउथ उनका देखोगे, तो वो ऐसे सामने के साइड में थोड़ा नैरो होते हुए गया है, और फिर उनकी आंखें भी क्या है, दोनों आंखें अपने दो साइड से आए हुए हैं। तो उससे क्या करते हैं कि ये जो कुछ भी आइडेंटिटी उनकी दिख रही है, दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे नीचे वाले पिक्चर में आप देखोगे कि ये जो फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो ग्रीन कलर के प्लांट लीव्स इसमें रहेंगे, कुछ अलग टाइप का फ्रूट रहेगा। आप एग्जांपल ले सकते हो मैंगो ट्री, ऑरेंज ट्री। तो ये सभी में क्या होता है, उनके फ्रूट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो जो शेप है, उसका कलर है, वो हम लोग आइडेंटिफाई करके उसमें कुछ चेंजेस हम लोग उसमें दे सकती हैं, ठीक है। ओके, वैसे ही जो कान होते हैं, इस पिक्चर में आप देखोगे कि सभी के कान जो है वो अलग अलग है, बट उसका पोस्चर उसके इसके अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है, दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। इन द सिमिलर वे दीज फीचर्स इंडिकेट दैट ओरिजिन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट ग्रुप्स मस्ट बी सेम, हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर्स, ठीक है। इससे क्या कह सकते हैं हम लोग कि इनके जो, जैसे ये तीनों एनिमल्स आप देख रहे हो, उनके मुंह माउथ का जो पोजिशन है, उनके कान के जो है, कान की जो पोजीशन है, उसकी आंखें जो हैं, इन सभी से आप ऐसा कह सकते हो कि इनके जो कोई भी पूर्वज है, एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, इनके जो कोई पूर्वज है वो क्या है, कोई एक है, उनकी वजह से कुछ चेंजेस होकर हमें ये अलग अलग 3 टाइप के एनिमल्स यहाँ पर मिले हैं। वैसे ही सेम आप देखोगे कि जो 3 अलग अलग तरीके की जिसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, ऐसे अगर हम लोग फ्रूट्स या प्लांट्स देखते हैं, तो उनका भी जो उनके एंसेस्टर होंगे वो यहाँ पर सेम हो सकते हैं, उनमें वो फीचर्स सेम रह सकते हैं, दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। देन वी विल सी एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एनाटॉमिकल मीन्स एनाटॉमी ऐसी ब्रांच है साइंस की या मेडिकल साइंस की जिसमें हम लोग बोन्स जो होते हैं उसकी स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमिकल एविडेंसेस। अब इन एनाटॉमिकल एविडेंसेस में हम लोग देखेंगे, जैसे हमारे हाथ के जो बोन्स होते हैं, हमारे पाँव के जो बोन्स होते हैं, सबकी पोजीशन अलग अलग होती है। तो हमने यहाँ पर अलग अलग 4 एनिमल्स लिए हुए हैं और उनके बोन्स लिए हैं। जैसे हमने लिया ह्यूमन हैंड, अपना हाथ, देन 4 लेग ऑफ बुल, फ्लिपर ऑफ द वेल एंड पैटेजियम ऑफ बैट, शोज डिफरेंस इन देयर
फीचर। जैसे आप इस डायग्राम में देखते हो तो यहाँ पर क्या है, ये अपना ह्यूमन हैंड है, अपना खुद का हाथ जो है, ये फोर लेग ऑफ बुल, बैल का सामने वाला पैर। देन वेल, उसके ये फ्लिपर है, और ये जो है पैटेजियम ऑफ बैट, मीन्स जो बैट के पंख होते, तो उसमें ये पूरा, अगर हम लोग इसके बोन्स जो है, इसको ऐसे पतले है, इससे स्किन से ये कवर्ड होते हैं। तो ये उसका अगर इंटरनल स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हमें एनाटॉमिकल एविडेंसेस देखने हैं। तो अगर हम लोग ये देखते हैं तो उसको हम लोग इसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी हमें ऑब्जर्व होती है। जैसे ह्यूमन बींग का, जैसे यहाँ पर हमें पांच उंगलियाँ दिख रही है, वैसे ही सेम यहाँ पर दिख रहा है बैट के, इसमें पैटेजियम ऑफ बैट में। बुल में अगर आप देखोगे तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, इस पर भी हमें दिखेंगे सेम थिंग। वेल, ये ह्यूमन बींग का, ये ले टेरेस्ट्रियल एनिमल, ये एम्फीबियन, और ये बर्ड्स, ऐसे अलग अलग हमने लिए, बट उनके बोन्स में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि इनके जो कुछ भी पूर्वज हो गए, वो यहाँ पर हमें सिमिलरिटी उसमें से शो होकर ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आए हुए हैं। तो ये क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, कि कुछ चेंजेस होकर हम लोग यहाँ पर नए इसमें फॉर्म हुए हैं। दैट आर द एनाटॉमिकल एविडेंसेस, जिसमें हम लोग बोन्स से उसकी स्टडी करते हैं, उसके जो जॉइंट्स हैं। यहाँ पर अगर आप जॉइंट्स देखते हो उनके, तो ये जो जॉइंट्स है, दीज जॉइंट्स विल ऑल्सो शोज द सिमिलैरिटी, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी यहाँ पर होती है, और उसी की वजह से हम लोग ये एविडेंस यहाँ पर दे सकते हैं। देन वेस्टिजियल ऑर्गन्स, अब वेस्टिजियल ऑर्गन्स मीन्स क्या होगा, कुछ ऑर्गन्स हमारे इसमें ऐसे हैं जो कुछ भी फंक्शन हमारे बॉडी में परफॉर्म नहीं करते हैं, बट वो हमारे बॉडी में रहते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, वेस्टिजियल ऑर्गन मीन्स जिसका हमारे बॉडी के लिए कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, बट वो हमारे बॉडी में डीजनरेट होते हैं या थोड़े बहुत परसेंटेज में वो डेवलप हो जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लोगे टेल का, सबसे पहले कहते हैं कि मनुष्य को भी पूछ थी, तो वो फिर बाद में निकल गई, तो उसमें क्या होता है, वो क्या था, कुछ उसका उपयोग था क्या ह्यूमन बीइंग को, नहीं, तो वो क्या हो गया, वेस्टिजियल ऑर्गन। बट ऐसा हम लोग नहीं करें कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन ह्यूमन बीइंग के लिए है वही डॉग या कैट के लिए भी होगा, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। तो एक की वजह से हम लोग दूसरे इसको उसमें भी वो जरूरी नहीं है, ऐसा यहाँ पर नहीं कह सकते। तो जैसे एग्जिस्टेंस ऑर्गन अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस ड्यूरिंग इवोल्यूशनरी प्रोसेस, दस दे फॉर्म न्यू टिश्यू ऑर्गन एक्सेट्रा, मीन्स पहले जो हमारे इसमें जो हमारे नए वाले ऑर्गन्स थे वो डेवलप होते थे, ऑफस्प्रिंग में भी आते हैं, और फिर वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स करके हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, और उसी की वजह से क्या होगा, वो हमारे काम के रहते हैं क्या, नहीं, बट वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे हमें यहाँ पर पता होगा कि हमारे इसमें इसमें आप एक एग्जांपल देखोगे कि जो ये ईयर है, दिस इज कॉल्ड एज द पिन्ना ऑफ द ईयर, ये मंकी में दिखाया हुआ है, ये डेवलप होते होते यहाँ पर आया हुआ है ह्यूमन बीइंग में। तो इसमें क्या चेंजेस होते हैं कि जो कुछ भी डेवलपमेंट हमें रही, दिस इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन, बट अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें इसमें इतना डेवलप वहां पर दिख रहा है क्या, नहीं, कुछ ऐसे डेवलप होते जाते हैं, और कुछ जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर निकलते भी जाते हैं, उसको डिजेनरेट भी होते हैं कुछ समय बाद, बट इट विल ऑल्सो रिक्वायर अ लॉन्ग टाइम। तो ये जब कुछ होता है, दैट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखोगे अपेंडिक्स, जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि अपेंडिक्स का क्या फंक्शन ये होता है, कहाँ पर ये फॉर्म होता है, तो ये जो अपेंडिक्स है ये हमारे ह्यूमन बींग में यूजफुल है क्या, नहीं, ये हमारे इसमें यूजफुल ह्यूमन बींग में यूजफुल नहीं है, बट जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जो ग्रेजिंग एनिमल, जैसे हमारी काउ हो गई या गोट हो गया, तो ये जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनके इसमें ये यूजफुल होते हैं। ठीक है, मीन्स हमारे लिए अपेंडिक्स क्या है, वो यूजलेस है, हमें काम का नहीं है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, बट जो बाकी एनिमल्स हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, उनके लिए यहाँ पर यूजफुल हो सकता है, दिस इज कॉल्ड एज द वेस्टिजियल ऑर्गन। देन बाकी के जो कुछ भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, जैसे टेल, टेल बोन, मसल्स ऑफ द एयर पिन्ना, विजडम टीथ,
एंड बॉडी हेयर्स, बॉडी हेयर हमारे कुछ काम के हैं क्या? नहीं है, बट एनिमल्स के लिए वो इम्पोर्टेंट है। पिन्ना जैसे यहाँ पर आपको बताया, देन विजडम टिथ हमारे कुछ काम के हैं कि जो लास्ट में रहते हैं? नहीं, वो भी हमारे काम के नहीं हैं, बट दीज आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। सच ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। नाउ द नेक्स्ट वी विल सी पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस मीन्स क्या होता है? आप सबको फॉसिल फ्यूल्स पता है, क्या होता है फॉसिल फ्यूल्स? जो भी अवशेष होते हैं, मीन्स हमारी बॉडी जब पूरे आफ्टर द डिकम्पोजिशन में जाती है, तो उसके बाद जो भी हमारे बोन स्ट्रक्चर बचता है, दैट इज कॉल्ड एज फॉसिल्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर? फॉसिल्स कहेंगे। अब क्या होता है कि जब कभी भी पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे, तो कुछ नेचुरल डिजास्टर्स हुए होंगे, जैसे हम लोग कहते हैं अर्थक्वेक हुआ, वोल्केनोज हुआ, कहीं पर फ्लड आया होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स या लिविंग बींग्स प्रेजेंट है, या प्लांट्स है, एनिमल्स है, जो भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये सभी क्या होते हैं? उस कंडीशन में बरीड हो जाते हैं। ठीक है, पूरे जमीन के नीचे वो दब जाते हैं, और जैसे जैसे उनका पीरियड जाता रहेगा, तो उनकी बॉडी में जो स्किन है वो तो डिकम्पोज होकर मिक्स हो जाएगी, बट जो बोन्स हैं, दीज बोन्स आर रिमेन्स इन द अंडर दैट अंडर द बरीड कंडीशन। बरीड कंडीशन में वो हमें यहाँ पर दिखते हैं। तो ऐसे ये जो फॉसिल्स हैं, ये फॉसिल्स हमें मिले हुए हैं। हमने पढ़ा है कि डायनासोर जो होते हैं, उसके फॉसिल्स कहीं जगह पर मिल रहे थे, तो उसे में पता चला कि डायनासोर पहले हुआ करते थे। तो ये क्या बन गए हमारे? दीज आर द पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस। और उसकी ये जो स्टडी होती है, ये स्टडी हमें उसके उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसका साइज कितना होगा, किस कंडीशन में वो रहता होगा, ये सब इससे हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन देखने के लिए हमें ये जो ऐसे इसके स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, दिस इज द फॉसिल्स, और ये जो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर मिला हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर रिमेनेंट्स। ठीक है, ये यहाँ पर बोन्स दिख रहे हैं क्या हमें? नहीं, बट ये जो मिल रहा है हमें, इससे हम लोग देख सकते हैं कि ये कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, कितने बोन्स उसमें प्रेजेंट होंगे, जो कुछ भी, दैट इज कॉल्ड एज द रिमेनेंट्स। अब सेकेंड, ये तो हो गया हमारा फॉसिल, की फॉसिल हमें मिल गया तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं। अब सेकेंड हमें देखना है कार्बन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग क्या है? हमारे बॉडी में जो कार्बन प्रेजेंट होता है, वो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इन तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर से हमें क्या मिलता है? कार्बन 14 मिलता है, कार्बन 13 हमें प्लांट से मिलता है, तो ये सब कुछ हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। अब जब हमारी बॉडी आफ्टर डेथ अगर हम लोग देखते हैं, तो आफ्टर डेथ क्या होगा कि जो हमारा कार्बन 14 है वो क्या होता? कम होते जाता है। ठीक है, कार्बन 14 क्या होगा हमारे इसमें? कम होते, जैसे जैसे यहाँ पर ईयर्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है, 100 साल हो गए, फिर 200 साल हो गए, 300 साल हो गए, तो ये कार्बन 14 जो है हमारे बॉडी का, वो यहाँ पर कम कम होते जाता है। और उसकी वजह से क्या होगा, उस कार्बन 14 का अगर हम लोग रेडियो एक्टिकली उसको एनालाइज करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको निकाल सकते हैं कि इस एनिमल को, जो भी एनिमल होगा या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी डेथ कितने साल पहले हुई होगी। कैसे निकालते हैं वो? तो जो मैंने आपको कहा था कि कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, ऐसे तीनों फॉर्म में हमारे बॉडी में कार्बन प्रेजेंट होते हैं इन लिविंग स्टेट, जब हम जिंदा होते हैं तब। जब डेथ हो जाएगी तो कार्बन 14 जो है उसका परसेंटेज कम होते जाएगा, बट कार्बन 12 जो हमारे बॉडी में था वो जितना है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो कुछ भी रेशियो अगर हम लोग निकालते हैं, कार्बन 14 टू कार्बन 12, ये रेशियो अगर हम लोग निकालते हैं, तो ये रेशियो क्या होता जाएगा? कम होते जाएगा, और फिर उससे हम लोग ये जो एनिमल है ये कितने दिन पहले उसकी डेथ हुई थी, ये हम लोग निकाल सकते हैं, और उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग। ठीक है, और ये जो एविडेंस हमें क्या कहता है?
कि उससे हम लोग देख सकते हैं कि पहले भी हमारे जो पूर्वज थे वो उसी तरीके से कुछ ना कुछ यहाँ पर निकल मीन्स कितने दिन कुछ ना कुछ एविडेंसेस वहाँ से हमें उस इवोल्यूशन के मिलते हैं। अब इससे हम लोग निकाल कह सकते हैं द टाइम पास्ट सिंस द डेथ ऑफ द प्लांट और एनिमल, कितने दिन पहले या कितने साल पहले उसकी डेथ हुई थी, ये हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। देन उसमें कार्बन 14 कितना था प्रेजेंट है, वो हम लोग रेडियो एक्टिविटी मेथड से यूज करके निकाल सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर रेशियो डिटरमाइन करते हैं कार्बन 14 टू कार्बन 12 प्रेजेंट इन द बॉडी। अब इसके यूजेस क्या हैं ये हमें देखना है, क्योंकि कार्बन डेटिंग ये जो है प्रोसेस, इसके कुछ ना कुछ यूजेस होंगे। तो ये यूजेस क्या है, दे आर यूज्ड ऑफ पैलेंटियोलॉजी, ठीक है, जैसे हमने देखा कि एविडेंसेस जो आ रहे हैं वो। देन एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मीन्स क्या होता है यहाँ पर, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद द एज ऑफ द एनिमल्स। देन एज ऑफ ह्यूमन कॉसेस एंड मैन्युस्क्रिप्ट, अगर हमें एज निकालना है ह्यूमन की, इसका कितने साल पहले इसकी डेथ हुई थी, वो हम लोग निकाल सकते हैं। कैलकुलेटिंग द एज ऑफ फॉसिल्स एंड प्लेसिंग देम इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पहले कितने इसमें हुआ था वो हम लोग मीन्स 100 साल में, अगर 100 साल का डिकम्पोजिशन हुआ है या 100 साल पहले उसकी डेथ हुई तो कैसा रहेगा, 200 साल पहले हुए तो वो कैसा रहेगा, ये सब के लिए इंफॉर्मेशन रखने के लिए हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। देन डिड्यूसिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट अदर फॉर्मर ऑर्गेनिजम्स, मीन्स पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके इसमें किस तरीके की अरेंजमेंट थी, किस तरीके के बोन्स थे, क्या क्या चेंजेस उसके बाद हुए हैं, ये सब लोग हम लोग उसमें से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इनवर्टिब्रेट्स गिव राइज टू वर्टिब्रेट्स ग्रेजुअली ड्यूरिंग इवोल्यूशन, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स जो थे वो इनवर्टिब्रेट्स कैसे कन्वर्ट हुए वर्टिब्रेट्स में, वो हम लोग यहाँ पर इस पैलेंटियोलॉजी से या कार्बन डेटिंग से हम लोग उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं। एंड दिस इज द बेस्ट एविडेंस फॉर द इवोल्यूशन, ठीक है, एविडेंस क्या है, ये सबसे अच्छा एविडेंस है जिससे हम लोग देख सकते हैं कि इवोल्यूशन यहाँ पर हुआ है। देन कनेक्टिंग लिंक्स, अब कनेक्टिंग लिंक्स क्या होगा, इस कनेक्टिंग लिंक्स में हम लोग देखते हैं कि जो कुछ भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो शेयर हुए हैं किसी, मीन्स पहले भी वो प्रेजेंट थे ऑर्गेनिजम्स में और अभी भी कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, तो इनके दोनों के बीच में जोड़ने वाली जो कुछ भी दुआ होती है दैट इज कॉल्ड एज द कनेक्टिंग लिंक्स। अब ये हमें अलग अलग टाइप्स में देखने हैं, अलग अलग ये हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। अब ये पेरिपैटस जो है वो क्या करता है, वो एनिलाइट्स एंड एंथ्रोपोड इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। तो ये दोनों जो दीज आर द एनिलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा, दीज आर द ट्रू फाइलम, दीज टू फाइलम आर कनेक्टेड बाय दिस पेरिपैटस। अब एनिलाइट कैरेक्टर कौन से शो करता है, ये सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है, बॉडी कैसे है इसकी, सेगमेंटेड है, उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। देन थिन क्यूटिकल, उसके बॉडी पर ऐसे छोटे छोटे छेद होंगे। एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब एंथ्रोपोड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिखाएगा, वो ट्रकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन्स ये जो यहाँ पर पेरिपैटस हैं, ये पेरिपैटस इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वो एनिलिडा के शो करता है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वो ऑर्थोपोडा के शो करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टू फाइलम, या टू फाइलम हम लोग बोल सकते हैं। देन सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेंगे डग बिल प्लेटिपस, अब ये किसकी लिंक दिखाता है, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स आपको पता है जो जमीन पर चलने वाले हो, जमीन पर घिसते हुए चलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रेप्टाइल्स, और मैमल्स जैसे हम लोग दो पैर पे चलते हैं वैसे। अब रेप्टाइल्स में क्या आता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है एग लेइंग हैबिट, ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है इसका एग लेइंग, ये जो डक बिल्ड पैलेपेट डक है दीज ये क्या करते हैं, एग ले करते हैं, उनके बॉडी पर स्केल्स होते हैं। और मैमेलियन कैरेक्टर्स उसमें कौन से दिख रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स एंड हेयर्स, मैमरी ग्लैंड्स और हेयर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए डग बिल्ड पैलेपेटस जो है पैलेटस है उसको हम लोग कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। थर्ड हमने एग्जाम्पल लिया है
लंग फिश। अब लंग फिश में क्या होता है, ये कनेक्टिंग लिंक्स है बिटवीन फिश एंड एम्फीबियंस। ठीक है, फिशेस मीन्स एक्वेटिक में आ गया और एम्फीबियंस मीन्स दे कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। अब फिश कैरेक्टरिस्टिक उस कितनी है, किसकी है, कौन सी आ रही है इसमें, लंग फिश में फिश लाइक बॉडी। और एम्फीबियन कैरेक्टर्स कौन से आ रहे हैं, रेस्पिरेशन विथ लंग्स। फिश किससे रेस्पिरेशन करती है, विद द हेल्प ऑफ स्केल्स। बट ये जो लंग फिश है, दैट लंग फिश रेस्पिरेट विद द हेल्प ऑफ लंग्स से वो रेस्पिरेट करती है, और इसीलिए इसको हमने कहा है इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फिश एंड द एम्फीबियंस। दीज कनेक्टिंग लिंक्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। देन एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब एम्ब्रियो मीन्स क्या होता है, अर्ली डेवलपमेंट में जो कुछ भी यहाँ पर, जैसे हम लोग देखते हैं कि जीन्स जब मिलते हैं, क्रोमोसोम्स जब मिलते हैं, तो डेवलपमेंट होते जाता है ऑफस्प्रिंग का। तो अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस जो होती है दैट इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियो। तो जब भी आप अलग अलग एनिमल्स अगर आप कंसिडर कर रहे हो, जैसे यहाँ पर आपको दिया है, हमने यहाँ छह एनिमल्स कंसिडर, छह डिफरेंट मैमल्स एग्जाम्पल करके लिए, फिश, सैलेमेंडर, टर्टल, चिकन, रैबिट एंड ह्यूमन। तो इन सब में अगर आप देखते हो, ये उनकी फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये सभी स्ट्रक्चर्स आपको मोस्टली सिमिलर दिख रहे हैं। उनका अरेंजमेंट जो भी आप देखते हो वो यहाँ पर आपको सिमिलर दिख रहा है। बट जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट होते जाता है, ये जब फर्स्ट फेज से सेकेंड फेज में आते हैं, तो सभी का साइज में थोड़ा बहुत चेंज है, कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर डेवलप हुए हैं। देन आप थर्ड स्टेप में जाओगे तो पर्टिकुलर उनका जैसे शेप होता है, यहाँ पर आप पहचान सकते हो कि ये फिश होगी, ये सैलेमेंडर होगा, ये जो है ये टर्टल होगा, ऐसे आप क्या कर सकते हो, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये रैबिट का होगा, ये ह्यूमन बीइंग का होगा, ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स उनके इसमें आते जाते हैं। ठीक है, दीज आर द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। मीन फर्स्ट आप देखोगे तो सभी के जो दिख रहे हैं हमें एम्ब्रियोज वो यहाँ पर सेम हैं, बट जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती जाएगी तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पर डेवलप होते जाएंगे। दीज आर कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, एंड दिस इज इनिशियल सिमिलैरिटी इंडिकेट्स दैट देयर मे बी अ कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दीज एनिमल्स। इनकी ओरिजिन कैसे होगी, कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी इनके एंसेस्टर के साथ होकर हमें इस तरीके से ये सेम ऑप्टेन होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहा है हमने, दिस इज कॉल्ड एज द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स।